परशुराम जयंती आज पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। पहाड़ की बेटी बलजीत कौर की सेहत में सुधार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल ने सरकारी नौकरी दिलवाने का दिया आश्वासन। गहलोत ने दी कारागृहों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 2.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सीएम से मिलते ही मान गए निकाय चुनाव में टिकट न मिलने पर बागी हुए भाजपाई, 74 बागियों ने वापस लिया पर्चा। प्रयागराज में शपथ के बाद पार्षद ने नगर निगम में मंच से लगाए थे अतीक जिंदाबाद के नारे, समारोह में मचा हंगामा। अलकायदा ने दी भारत को धमकी, 7 पत्रों के पत्र में लिखा अतीक अशरफ की हत्या का लेंगे बदला। सपा में घमासान, बरेली की पूर्व सुप्रिया एरन ने कराया 9 ड्यूज, चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज। बीजेपी महिला मोर्चे में उठे बगावत के सुर, मेयर के लिए भेजे गए कई नामों पर जताया विरोध। बिलासपुर में वेद मंत्रों से पूजा अर्चना, सुबह निकली प्रभात फेरी, चौक चौराहे पर लगे ध्वज पताका। मुस्लिम दलित गठजोड़ की राह पर बसपा, बरेली में मोहम्मद यूसुफ को बनाया मेयर प्रत्याशी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।